हाँ जी गाइस वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूँ आपकी मैंटर रितिका और नाबार्ड के फेज़ वन रिजल्ट की अनाउंसमेंट करने आई हूँ सो नाबार्ड हैज़ रिलीज द रिजल्ट ऑफ फेज़ वन द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड मस्ट नाउ बी वेरी हैप्पी है ना एक वो जो जोश था कि फेज़ टू देना है फेज़ टू देना है तो वो अब डबल हो जाएगा बिकॉज रिजल्ट आ गया और फेज टू की डेट्स भी आ गई हैं तो नाइनटीन ऑफ नवम्बर इज द दी दे जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है एंड एज एंटीसिपेटेड दो हफ्ते तो लगने ही थे रिजल्ट आने में उतना ही टाइम लिया नाबाद ने विच इज फेयर इनफ तो अब आपको फेयर इनफ रहना है और अपनी प्रिपरेशन uh, बहुत अच्छे से आई वुड से टू एक्स कर लेनी है कर तो रहे ही थे आप प्रिपरेशन वी हैव बिन कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू कि प्रिपरेशन मत छोड़िएगा तो आप प्लीज़ अपने फेज टू की तैयारी कीजिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ

तो अपियर किया, किया था और हंड्रेड्स बचे हैं जो अब यहां आ रहे हैं और उससे भी बहुत कम रह जाएंगे जो इंटरव्यू में जाएंगे आई वॉन्ट जितने भी सिंसियर एस्पिरेंट्स वन इज टू ट्वेंटी फाइव में हैं वो जरूर इंटरव्यू देने जाए बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अगर गॉड फॉबिट आगे जाके नहीं भी होता तो बट हमने क्या लेके चलना है माइंड में अभी मुझे फेज टू निकालना फिर मुझे इंटरव्यू निकालना है, ठीक है आप मेंस जब देंगे तो आपके मन में चलना चाहिए नाबार्ड का ट्रेनिंग कॉलेज लखनऊ बर्ड ठीक है क्या मुझे वहां पहुंचना है मेरे का ऑब्जेक्टिव वो है लेकिन ध्यान इमीडिएटली अभी के फेज टू पे ये नहीं करना डे ड्रीमिंग करने लगो इंटरव्यू के बारे में यू विल लूज आउट योर टाइम ओके okay? तो प्लीज फेज टू को फोकस रखिए लेकिन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नावा ट्रेनिंग कॉलेज वहां पहुंचना है मुझे वहां ट्रेनिंग लेनी है दो हफ्ते की ट्रेनिंग होती है वहां पे उसके बाद आपको आलोकेशन मिल जाती है अपनी ऑफिस की ठीक है लेकिन 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 जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए एंड दे कुड नॉट रीच टू दिस स्टेज मैं उनसे भी एक बात कहना चाहती हूँ देखो आपने अगर पूरी शिद्दत से मेहनत की थी और आप फिर भी नहीं जा पाए आगे सो दैट्स ओके एक्सेप्ट इट मेहनत की लेकिन कुछ कमी तो रह गई होगी है ना उस कमी को पकड़ो फाइंड आउट दैट कमी इंट्रोस्पेक्ट एनालाइज और फिर लग जाओ काम पे दिवाली आ रही है बहुत ही बहुत ही शुभ समय है क्योंकि पेपर दिवाली के बाद हो रहा है तो अगर तो आपका पेपर है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं दे पा रहे हो ना आप पेपर यूज़ दिस टाइम ऑफ दिवाली एज अ टाइम टू री एनर्जाइज योर सेल्फ ये एक डिप आया है आता है ना डिप आता है हमेशा कभी ना कभी किसी की लाइफ में चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो चाहे वो स्टार्स हो वो डिप आया है इंपॉर्टेंट ये नहीं है वो डिप आया है इंपॉर्टेंट ये है आप उस डिप से सेल थ्रू करके कैसे आगे जाते हैं फेलियर इज नॉट अ बिग डील अगर आप उसको बनाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे इसलिए उसको बिग डील मत बनाइए दैट इज कंप्लीटली ओके अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ आगे का प्लान बनाओ अपनी कमी ढूंढो उस पर काम करो और आगे जुट जाओ अगले साल का पेपर तो आना ही है नाबाद का आर भी आना ही है और भी पेपर आएंगे बस अपनी तैयारी में लगे रहो ठीक है टेक योर सेल्फ गिव योर सेल्फ टाइम अपने आप को जो किया उसके लिए शाबाशी दो जो नहीं कर पाए उसके लिए भी खुद को बोलो कि नहीं ये मुझे अगली बार बेटर करना है दैट्स ओके okay. क्योंकि देखिए सच ये है हार्ड ट्रूथ ये है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हर कोई जो पेपर देता है वो नहीं निकाल सकता हर कोई जो पढ़ के जाता है वो भी नहीं निकाल सकता इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर टाइम जो आप पेपर दे रहे हो ठीक है ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप पेपर दे रहे हो तो बहुत बढ़िया हम आपके साथ हैं फेज टू पढ़ाते जाएंगे अगर नहीं दे रहे हो तो भी हम तो आपके साथ हैं ही ना आपको मंजिल तक तो पहुँचाना ही है अभी डिप आया है तो क्या हुआ अभी नहीं तो आगे पहुँचने वाले हैं ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर प्रशिस टाइम कुछ मन में शंका है डाउट है कॉमेंट कर दीजिएगा ठीक है बाय बाय थैंक यू